हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये है चर्चा सूर्य ग्रहण को लेकर के। जी हाँ, इस बार जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है वर्ष 2024 में 2 अक्टूबर को, जिसको कि हम कंकड़ सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं, ये जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा ये कंकड़ सूर्य ग्रहण होगा। तो हम आपको बताएंगे कि ये कंकड़ सूर्य ग्रहण, इसको क्यों कहा जाता है, क्यों कहा गया है, किस आकृति का होगा ये, और क्या ये भारतवर्ष में दिखाई देगा, क्या इसके भी सूतक काल होंगे। तो ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा डिटेल में करेंगे, अभी आपके साथ जानकारी देंगे और इसकी समय अवधि भी बताएंगे, कब से कब तक पड़ेगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा, कहाँ कहाँ ये विजिबिलिटी इसकी रहेगी, कहाँ कहाँ विजिबल होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा, कहाँ कहाँ इनविजिबल होगा। तो इस सारी जानकारी को हम इस कार्यक्रम के दौरान आप तक पहुँचा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है सूर्य ग्रहण को लेकर के, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा भी है। तो आप इसको, पूरी चर्चा को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। प्रिय साथियों, इस वर्ष का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है ये, जो कि दिनांक 2 अक्टूबर सन 2024 दिन बुधवार को कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में पड़ेगा। वैसे तो ग्रहण एक खगोलीय घटना माना गया है इसको, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत अधिक महत्व है, इसको बहुत अधिक महत्व दिया गया है। ग्रहण कब पड़ता है? ये तब पड़ता है जिसमें कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए, मतलब समय ऐसी स्थिति में आ जाती है उस समय पर कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं और तीनों एक विशेष रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कुछ समय के लिए नहीं पहुंच पाती हैं, और जब वो नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है इसलिए, और चंद्रमा की जो छाया है पृथ्वी को ढक लेती है, और कुछ समय के लिए पृथ्वी का जो प्रकाश है उससे सूर्य के प्रकाश उससे नहीं पड़ता है, मतलब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी से देखने पर सूर्य ग्रसित महसूस होता है, यानी कि सूर्य जो है वो ग्रसित महसूस होता है पृथ्वी से देखने पर। कुछ समय के लिए सूर्य पर पूर्ण रूप से और कुछ समय के लिए आंशिक रूप से काली छाया दिखाई देती है। ऐसी स्थिति को ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। कंकड़ सूर्य ग्रहण जब पड़ता है साथियों, जब चंद्रमा की छाया सूर्य के बीचों बीच दिखाई देती है और उसके चारों ओर सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, मतलब चारों ओर रिंग के छल्ले की तरह, तो यह एक कंकड़ की भांति चमकता हुआ दिखाई देता है। इस स्थिति को कंकड़ाकृति या फिर वलयाकार सूर्य ग्रहण बोला जाता है। यह ग्रहण कहां दिखाई देगा, जो 2 अक्टूबर 2024 को पड़ रहा है? यह ग्रहण साथियों दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग और प्रशांत महासागर, एटलांटिक महासागर तथा न्यूजीलैंड, फिजी आदि देशों में कुछ समय के लिए दिखाई देगा। दिखाई देने वाले मुख्य देश होंगे चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, पेरू। इस ग्रहण की कंकड़ आकृति जो है वो केवल दक्षिण चिली और दक्षिण अर्जेंटीना में ही दिखाई देगी। तो साथियों, ये जो सूर्य ग्रहण है हमारे भारत देश में दिखाई नहीं देगा, इसकी विजिबिलिटी भारतवर्ष में नहीं होगी इस कंकड़ सूर्य ग्रहण की, जो कि 2 अक्टूबर 2024 को पड़ेगा। सूतक काल की बात करते हैं, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में तो दिखाई दे ही नहीं रहा है, इसी वजह से भारत में इस सूर्य ग्रहण का कोई भी धार्मिक प्रभाव या फिर सूतक काल मान्य नहीं होगा। सभी लोग अपने कार्य विधिवत रूप से कर पाएंगे। इस दिन सूर्य के साथ चंद्रमा, बुध और केतु स्थित होंगे गोचर में, और इन पर देवगुरु बृहस्पति और मंगल की पूर्ण दृष्टि भी रहेगी। सूर्य से द्वितीय भाव में शुक्र तथा छठे भाव में वक्री शनि स्थित होंगे। यह रहेगी ग्रहों की स्थिति जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा। और यह सूर्य ग्रहण जो है साथियों, जैसे मैं कह भी चुका हूं चर्चा के आरंभ में, कि कन्या राशि में और हस्त नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं उनको इस, मतलब और दूसरे देशों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। मतलब क्योंकि यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में पड़ेगा, तो इस राशि और इस नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं
और दूसरे देशों में भी चाहे वो हुए हैं पैदा, जन्म हुआ है उनका, उनके लिए ये प्रभावशाली होने वाला है सूर्य ग्रहण। यदि यह ग्रहण आपकी राशि या नक्षत्र में लग रहा हो साथियों, यानी कि आपकी राशि अगर कन्या है या हस्त नक्षत्र है, जन्म का, जन्म की राशि कन्या और जन्म का हस्त नक्षत्र है, और क्योंकि उसी में ये ग्रहण लग भी रहा है, तो आपको ग्रहण काल में अपनी जन्म राशि के स्वामी ग्रह या फिर जन्म नक्षत्र के स्वामी ग्रह के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ग्रहण के दौरान आप राहु और केतु के मंत्रों का भी जाप जरूर करें। किन राशियों के जातकों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि ये इसका समय क्या रहेगा, कब दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, ये तो हम बता चुके हैं इस चर्चा में। अब तो हम आपको उसकी समय अवधि बताने जा रहे हैं कि ये सूर्य ग्रहण कब से कब तक 2 अक्टूबर के दिन पड़ने जा रहा है। तो साथियों, सूर्य ग्रहण जो है हमारे भारतीय स्टैंडर्ड समय के अनुसार दिनांक 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को पड़ना है, और इस ग्रहण का जो प्रारंभ होगा वो रात्रि के 9:13 पर रहेगा। कंकड़ आकृति जो इसकी प्रारंभ होगी वो मध्य रात्रि यानी कि 10:21 पर होगी, मतलब रात्रि के 10:21 पर इसकी कंकड़ आकृति प्रारंभ होगी, और परम ग्रास जो होगा इसका मध्य रात्रि 12:15 पर रहेगा, और कंकड़ आकृति जो इसकी समाप्त होगी वो रात्रि के 2:09 पर रहेगी, और ग्रहण समाप्त होगा रात्रि के 3:17 पर। कहने का भाव ये हुआ कि ग्रहण की जो आरंभ होगा वो रात्रि के 9:13 से लेके रात्रि के 3:17 तक रहेगा 2 अक्टूबर की रात्रि को। कंकड़ आकृति की जो कुल अवधि रहेगी वो 7:25 के ही लिए रहेगी मात्र। तो ये थी वो समय अवधि जिस समय अवधि में सूर्य ग्रहण पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि ये जो ग्रहण है, जैसा मैंने कहा अभी है कि ये भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए इसका कोई भी सूतक मान्य नहीं होगा, सूतक काल नहीं लगेंगे इसके। मंदिर सब जितने भी धार्मिक स्थल हैं यथा मतलब उनकी स्थिति रहेगी, ऐसे ही खुलेंगे, पूजा पाठ उसमें होंगे, सारे कार्य होंगे। अब आपको बताने जा रहे हैं कि जो आप 12 राशियों के जातक हैं उन पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ सकता है इस सूर्य ग्रहण का, वो उनकी स्वास्थ्य में कमी को लेकर के पड़ सकता है, स्वास्थ्य में कमी देखी जा सकती है। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको बहुत ही पेशेंस रखना होगा, किसी भी चीज़ को लेकर धैर्य से कार्य करना होगा, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको अपने कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। कर्क राशि के जो जातक हैं उनको विभिन्न प्रकार के लाभों की प्राप्ति के संकेत हैं। सिंह राशि के जो जातक हैं उनको आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कन्या राशि के जो जातक हैं उनको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के जो जातक हैं उनको विभिन्न मामलों में हानि उठानी पड़ सकती है, जो तुला राशि के जातक हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको धन का लाभ होने की संभावना है, और धनु राशि के जो जातक हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मकर राशि के जो जातक हैं उनकी मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुंभ राशि के जातकों को सुख की प्राप्ति होगी, सुखों की, और मीन राशि के जो जातक हैं उनके व्यवसाय में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने में आ सकते हैं। प्रिय साथियों, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो सूर्य के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं, और सूर्य के मंत्र क्या है जो हम आपको देने जा रहे हैं इसके आप जाप करें, 1 माला 3 माला जितना भी आप कर सकते हैं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये है मंत्र। और जो कन्या राशि में जिनका जन्म हुआ है, क्योंकि ये जो ग्रहण है कन्या राशि में ही पड़ रहा है और हस्त नक्षत्र में, तो आप बुध के मंत्रों का जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, ओम भू बुद्धाय नमः, इस मंत्र का भी कर सकते हैं, लघु मंत्र का भी। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, तो आप ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करें। साथ ही महामृत्युंजय के मंत्रों का जाप करें, और भी आप जो आपके इष्ट हैं उनका भी आप ध्यान कर सकते हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन विशेष रूप से राहु केतु सूर्य और जो जिस राशि और जिस नक्षत्र में है उनसे संबंधित जो ग्रह हैं अगर उनके भी आप जाप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा
कंकड़ सूर्य ग्रहण को लेकर के, जो कि 2 अक्टूबर सन 2024 को पड़ने जा रहा है, उसको लेकर के चर्चा थी। उससे संबंधित जानकारी हमने जो आपको दी है, हम आशा करते हैं ये जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे, संतुष्ट होंगे और ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर करेंगे तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। साथियों, यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस समय रहते हुए आप तक पहुंच सकें और आप उन वीडियोस का भी लाभ उठा सकें, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम अपनी चर्चा यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगणों से भी लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।